तो हम चंद्रशिला में पहुंच चुके हैं और यहाँ की एक खास बात बताता हूँ। और यहाँ पता नहीं ये क्या हो रहा है, हमारे बाल जो है ना ये खड़े हो रहे हैं ऐसे। वहाँ पता है जैसे पेड़ पे झाड़ियाँ होती है वैसे लंबी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहें। स्वागत है आपका मेरे और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चंद्रनगर मार्केट से। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 7 बजे से कर रहा हूँ। तो आज मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, आप देख सकते हो कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए तुंगनाथ वैली, जो कि पड़ता है रुद्रप्रयाग में। आपने देखा होगा तुंगनाथ, आपको पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस फोटोज वगैरह देखी होंगी सोशल मीडिया पे। तो आज हम तो ना जा रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे गाड़ी से जाएंगे हम। गाड़ी बुक है, एक मैक्स बुक है, और मैं जाऊंगा और जो भी हमारे फैमिली में इधर मतलब वो सभी जाएंगे। तो पहले हम हाथ मुँह धो के रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए हम रेडी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं। तो ये रही यहाँ पर गाड़ी और अब चलते हैं। अभी हम चोपता मेरे को हैं कुछ खाने पीने के लिए। चोपता यहाँ पे मतलब चोपता ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट है, यहाँ पे आप खाने के लिए रुक सकते हो। और हम रुके हैं अभी सूर्य होटल एंड रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे अभी मामा जी और जो भी हमारे साथ कैंप पे आए हैं, मतलब जो भी हमारे साथ पिकनिक पे आए हैं वो यहीं खा रहे हैं। चलिए आपको उनसे भी मिलाते हैं। और भाई जी का ये होटल है जो कि किंजाणी साइड से है। ये मामा जी, ये दीदी और ये मौसी और ये नानी जी और ये लंबी और ये भी मतलब बड़ी मम्मी और भाई साहब, भाई साहब जो हमारे साथ गाड़ी पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे नाश्ता और चाय पियेंगे। तो यहाँ पे आज बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, आप देख सकते हो। इसका नाम लम्बी है, लम्बी भाई यहाँ पे चढ़ाने के लगे। दो लम्बी है और एक लंबा भी वहाँ पे मोटा लंबा, बड़ा तेज़ मोटा लंबा है। तो लंबा और लंबी से मिलवाते हैं आपको। मिला है? हाँ मिलवाते हैं। तो चाय मंगाई थी हमने, चाय तो आ चुकी है। तबीयत इसका नाम है इडनी नहीं आई। तो हम चोपता गेट पे पहुंच चुके हैं और ये जहाँ सामने पे गेट है और यहाँ से जाना है हमें ऊपर। और यहाँ पे आपको खूब सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी लंबा। और यहाँ पे भी तुंगनाथ में भी काफी सारे घोड़े कचर यहाँ पे ला रखे हैं यात्रियों को ऊपर छोड़ने के लिए, यहाँ से ये रास्ते से सीधे ऊपर। और तुंगनाथ से चोपता से थोड़े से ऊपर पे बहुत सारे अस्तबल यहाँ पे दिखाई देंगे जहाँ पे घोड़े कचर रहते हैं। और अब चोपता वैली से ऊपर अब शुरू होती है बुग्याल, और तुंगनाथ से 3 किलोमीटर पीछे बुग्याल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे तुंगनाथ टेंपल की पूरी स्टोरी लिखी गई है, तुंगनाथ की और चंद्रशिला की। अभी हम यहाँ पर रुके कुछ खाने के लिए, फ्रूट प्लेट, यहाँ से हम खाएंगे फ्रूट एक्सेट्रा। और हमारे साथ जो आए थे ना वो अभी वहाँ पे हैं नीचे, यहाँ पे बहुत पीछे छूट गए वो। तो ये रही तुंगनाथ की काफ़ी हाईस्ट ऊंचाई पे, जहाँ आपको लाल बुरांस के सिवाय सफ़ेद बुरांस भी दिखाई देंगे यहाँ की, एक यह एक खास बात है। और आगे देखिए आगे क्या क्या आपको नई नई चीज़ें मिलने देखने को मिलती है।
तो अभी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं और एक बार यहाँ से लोकेशन चेक कीजिए। ठीक 300 मीटर ऊपर ये यहाँ पे है मंदिर और ठीक उससे ऊपर चंद्रशिला। तो अभी वहाँ बहुत सारे लोग जा रखे हैं, कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन आंखों से दिख रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं उधर। तो हम मंदिर के गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली बारिश लगी, यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ लगी है। भाई बारिश लगी, ओले छोटे छोटे ओले पड़ने बैठ गए। देखो यहाँ पे इतनी तगड़ी वाली भीड़ है ना, क्या बताएं। जय काल महाकाल विकराल शंभू। जो मेन है यह है तुंगनाथ टेम्पल और यहाँ पे महानंदा पार्वती माता जी का मंदिर। तो चलिए अभी हमने टीका भी लगा दिया और सबने यहाँ पे टीका लगा दिया। तो चलिए अभी टीका भी लगा दिया, तो अभी हम चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए और यहाँ अंदर फोटो खींचना मना है, तो हम जल्दी से दर्शन करके बाहर आ जाते हैं। चलिए अभी हमने दर्शन भी कर लिए तुंगनाथ टेम्पल के और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, ऊपर चंद्रशिला वहाँ से। चलिए फाइनली हम चंद्रशिला में पहुँच चुके हैं, तो मंजिल आखिर मिल ही चुकी है। दिख तो यहाँ नज़दीक रहा है लेकिन भाई साहब जो आफत आ रही है ना हमें ही पता है। तो ये है चंद्रशिला, हो गया। तो हम चंद्रशिला में पहुंच चुके हैं और यहाँ की एक खास बात बताता हूँ, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत कम है, बहुत कम ही नहीं मतलब थोड़ा बहुत कम है। तो आप देख सकते हो जो मेरी दी है उसके बाल देखो आप, सीधे अपने आप खड़े हो रहे हैं आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब उल्टा सा होता है और यहाँ पे ना जो भी है सब उल्टा सा हो रहा है, मतलब लोगों के बाल नीचे रहते हैं और यहाँ पे पता है बाल खड़े हो रहे हैं ऐसे, आपने पिया दीदी के देखे होंगे। और हवा भी नहीं चल रही इधर, बताओ। और बारिश तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। हाँ ऑक्सीजन थोड़ी बहुत कम है लेकिन हमें लग नहीं रही उतनी, बाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो अभी हमने ये बना दिया, ये सब बनाते हैं तो मैंने बना दिया, इसका मीनिंग तो मेरे को पता नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे बना रखे हैं, एक बार वहाँ दिखा दीजिए। और यहाँ पता नहीं ये क्या हो रहा है, हमारे बाल जो है ना ये खड़े हो रहे हैं ऐसे, वहाँ पता है जैसे पेड़ पे झाड़ियाँ होती है वैसे लग रखे हैं वहाँ के बाल, जैसे पानी टहने ऊपर आते हैं वो।
तो अभी हमने चंद्रशिला में भी दर्शन कर लिए और यहाँ पता है टेम्परेचर सीधा 1 या 2 में चला गया और यहाँ पे पता है बर्फ पड़ने बैठ गई है देखो हाथों में, इतनी ठंडी हो रही है यहाँ क्या बताएं भाई साहब, यहाँ बर्फ लग गई चंद्रशिला में। तो नीचे देखते हैं नीचे कैसा मौसम हो रखा है। तो चलो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना। तो हमने सब्जी लाई है आलू की और रोटी, तो चलो पहले इसको फिनिश करते हैं। तो अभी हम तुंगनाथ टेम्पल से नीचे आ चुके हैं और अभी बारिश बहुत तेज लगी थी, हमने थोड़ा सा वेट किया, तब तक हम रोटी खा रहे थे। और यहाँ पे ना इतनी तेज बर्फबारी हुई, यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ थोड़ी कम थी लेकिन चंद्रशिला में बहुत तगड़ी वाली बर्फबारी हुई और वहाँ पे मतलब ग्रेविटी का थोड़ा सा जादू था तो इसलिए बाल खड़े हो रहे थे ऐसे। चलिए बारिश भी बंद होगी और अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट होगी, हम अब सीधे घर रात को पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं घर हम भी। जहाँ पे हमने सुबह चाय पी थी ना, अभी हम फिर से वहीं पे रुक चुके हैं और अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पराठे खाए जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम घर पहुँच चुके हैं और मामा जी और जा रहे हैं घर और हम जा रहे हैं अपने घर। तो चलिए हम भी चलते हैं अपने घर। तो चलिए अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं और थकान भी काफ़ी ज़्यादा लगी, वैसे ही गाड़ी में तबीयत ख़राब हो गई थी और ये उतना पैदल चलना अभी वो भी उतनी खड़ी चढ़ाई तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा थकान लगी। तो अभी हम घर पे तो पहुँच चुके हैं और अभी हम सोते हैं सीधा, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, बद्री विशाल ब्लॉग्स। बाय।